नहीं रहने का जो समाचार प्राप्त हुआ है, और इसके कारण केवल तमिलनाडु नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक शोक की छाया हो गई है। माननीय जयललिता जी एक ऐसी नेता थी, ताकतवर, और केवल ताकतवर नहीं, अपने क्षेत्र की, अपने तमिलनाडु की, अपने प्रदेश की जनता की सेवा करने में भी अग्रणी रहती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन, एक शी वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, महिलाओं के लिए इतने सारे उन्होंने एक अच्छे काम चलाए थे, और इसलिए हम देखते हैं सबसे ज्यादा महिलाएं उन पर प्रेम करती थी। तो लोग अंदर से जिस पर प्रेम करें, ऐसा नेता बड़ा दुर्लभ रहता है, और ऐसे दुर्लभ नेताओं में से जयललिता जी एक थी। तो वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में ऐसा बहुत कठिन होता है, ऐसा व्यक्ति जाने से राजनीति के क्षेत्र को नुकसान भी उतना ही महसूस होता है, और इसलिए जयललिता जी का जाना राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नुकसान मैं मानती हूँ हो गया। तो मैं अपने तरीके से संवेदना अपनी तरफ से भी, लोकसभा में तो अभी हम श्रद्धांजलि देंगे ही, अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, और तमिलनाडु की जनता से कहूंगी कि हाँ, दुख तो हुआ है, उस दुख को हम सब ने शांति से सहन करना है।